हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया चैनल। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे रैंक बूस्टर सीरीज नंबर 8 की। यस, ऑलरेडी हम रैंक बूस्टर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप वी विल कंटिन्यूइंग दिस सीरीज एंड वी आर रिसीविंग द मैसिव रेस्पॉन्स ऑन दिस। सो आज की रैंक बूस्टर सीरीज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। यस, आखिरकार इससे पहले हमने बात की थी कि कितने टाइप्स के इमल्शन हैं, ठीक है, बेसिक डिफरेंस। यहां पर आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, आखिरकार इमल्शन को कैसे पहचाने। सो यहां पर कुछ टेस्ट दिए गए हैं, जैसे कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल के स्पेसिफिक टेस्ट दिए गए हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला जो टेस्ट दिया गया है स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है ये देख सकते हैं। चलिए, पहला है कलर। देखिए, याद रखिएगा जो ऑयल इन वाटर है वो यूजुअली व्हाइट रहेगा, पर वो जो वाटर इन ऑयल रहता है वो मेनली ऑयल का कलर ले लेता है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, फील ऑन स्किन। याद रखिएगा जो वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है मतलब ऑयल वाटर के अंदर है, तो ये नॉन ग्रीसी है, मतलब वाटर को ज्यादा क्वांटिटी में है, ऑलरेडी बता चुका हूं वाटर ज्यादा क्वांटिटी में तो नॉन ग्रीसी होगा, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम। यस, वैनिशिंग क्रीम इज द बेस्ट एग्जांपल। इसमें ग्रीसी होगा क्योंकि ऑयल की कंटेंट ज्यादा है, तो एग्जांपल है कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम हमारा वाटर इन ऑयल का बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए इसी तरीके से बात करें डाई सॉल्युबिलिटी में। देखिए, डाई सॉल्युबिलिटी में हम दो तरह की डाई यूज करेंगे, मेनली अमरंथ एंड सुडान 3। इसी तरीके से उसमें भी अमरंथ और इसमें सुडान 3। अब यहां पर ये जो अमरंथ है ये वाटर सॉल्युबल डाई है। याद रखिएगा ऑयल इन वाटर में जो कंटिन्यूअस फेज होगा, वो कलर्ड होगा, और ऑयल सॉल्युबल डाई यूज करोगे तो ग्लोब्यूल्स कलर्ड दिखाएगा। यहां पर याद रखिएगा वाटर सॉल्युबल डाई यूज कर रहे हो अमरंथ में, अगर ऑयल इन वाटर है तो कंटिन्यूअस फेज जो है वो कलर्ड दिखाएगा, ऑयल सॉल्युबल डाई यूज कर रहे हो तो ग्लोब्यूल्स कलर्ड दिखाएगा। इसी तरीके से इसमें उल्टा है, रिवर्स है, वाटर सॉल्युबल डाई के साथ हमारा मेनली जो ग्लोब्यूल्स है वो कलर्ड दिखाएगा, और ऑयल सॉल्युबल डाई में सुडान 3 के साथ जो कंटिन्यूअस फेज है वो कलर्ड दिखाएगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ऑयल इन वाटर कौन सा है, वाटर इन ऑयल कौन सा है। सिंपल सी बात है, यहां पर कंटिन्यूअस फेज, वहां पर ग्लोब्यूल्स, यहां पर ग्लोब्यूल्स, वहां पर कंटिन्यूअस फेज। सो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आ सकता है सुडान से और अमरंथ से। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं आप बात करूं, नेक्स्ट टेस्ट आपके सामने यहां पर है बॉटलिंग पेपर टेस्ट। यहां पर मेनली याद रखिएगा बॉटलिंग पेपर को हम वेट कर देखेंगे। सो याद रखिएगा ये क्या करेगा, ऑयल इन वाटर है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में तो वेट हो जाएगा, यहां पर ये वेट नहीं होगा क्योंकि ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि वाटर है, वाटर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर लेट सपोज हमने ऑयल इन वाटर है इसके अंदर, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, हमने एक वोल्टेज, एक कंटिन्यूस करंट हमने भेजा, तो ये बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया, तो अब यहां पर एक वोल्ट हमने इसके अंदर करंट पास किया, तो इलेक्ट्रोड्स करंट कंडक्ट करेंगी, क्यों करेंगी, क्योंकि वाटर है ना, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, तो यहां पर इट कंडक्ट्स द करंट एंड इट डज नॉट कंडक्ट, क्योंकि ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग। डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग में याद रखिएगा ऑयल इन वाटर शोज दी अपवर्ड क्रीमिंग और ये डाउनवर्ड दिखाएगा। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं फ्लोरेसेंस की, इट एग्जिबिट्स द डॉट पैटर्न फ्लोरेसेंस एंड इट एग्जिबिट्स थ्रू आउट द इमल्शन। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट है फिल्टर पेपर टेस्ट। इसमें जो फिल्टर पेपर होगा वो चेंज हो जाएगा ब्लू टू पिंक और इसमें कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। सो ये बेसिक जो टेस्ट है ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल से। सो याद रखिएगा आप एक नोट जरूर बनाएं और इनको समझने की कोशिश करें और टाइम टू टाइम याद करते जाएं, बिकॉज फ्रॉम दिस रैंक बूस्टर सीरीज यू विल गेट डेफिनेटली मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया चैंपियंस, एंड इफ यू हैव अभी तक अगर जिसने ऐप नहीं डाउनलोड किया है फार्मेसी इंडिया, सो डाउनलोड इट नाउ फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। सो स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया, फेस इट, फाइट इट, अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है
आपके साथ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं रैंक बूस्टर नंबर 9 में।